Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we will talk about IIM Bangalore. So, IIM Bangalore के लिए क्या आपका 10th में स्कोर जो है, 12th में है and graduation में जो स्कोर है, वो enough है to get a call from IIM Bangalore, a prestigious institute in India right now, और जो top 50 में somewhere around 30s के अंदर आता है in the world, all right, world ranking के अंदर. And to make this MBA journey an easy and productive one, आपको हमारे iOS पे और Android Play Store पे हमारी app मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको daily के free test मिलते हैं और every Sunday you get a scholarship test, that's a champion quest, वो भी हर Sunday आता है, वो भी आप दे सकते हैं. Now, IIM Bangalore जो है वो एक one of the prestigious college है, जैसे मैंने आपको बताया, top 30 में आता है और India में वैसे number 2 पे या number 1 पे ही rank करता है, top 3 में आप count कर सकते हैं easily IIM Bangalore, alright, and ये kind of इंडिया के IIM एक्ट 2017 के अंडर IIMB इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे अहमदाबाद और कलकत्ता भी है. नाउ सबसे पहले अगर हम देखें इसकी पिक्चर्स देखते हैं IIM बैंगलोर की, ऑलराइट, दीज आर सम अमेजिंग पिक्चर्स. ये सेंटर मेन एंट्रेंस था, ये बीच के कैंपस का है, देन दिस द होल कैंपस, और ये इंपॉर्टेंट बहुत एरिया है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ. यहाँ पर आपको जब डिग्री मिलेगी तो आप यहीं पर बैठोगे, ऑलराइट. सी, दिस इज द प्लेस, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें आप हो सकते हो, राइट, एंड यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, एंड लाइक ये पिक्चर देख के कितनी फीलिंग आती है ना, बढ़िया वाली आती कि नहीं आती है. इफ यू लाइक दिस पिक्चर जस्ट हिट लाइक बटन, ऑलराइट. बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मोटिवेशन लगता है, राइट. यू वॉन्ट टू बी इन दिस पिक्चर और नॉट? बेसिकली ये मेडल्स होते हैं जब आप कॉलेज के अंदर अगर आप फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक लाइक ऐसे परफॉर्म करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलते हैं. एंड दिस इज दी मेन एरिया जहाँ पर वो वॉक लेते हैं कि दोस्त अगर फेल हो जाए, 3 Idiots मूवी में था, क्योंकि दोस्त फेल हो जाए तो दुख लगता है और जहाँ टॉप कर जाए ज़्यादा दुख लगता है, तो ये वाला एरिया था क्योंकि 3 Idiots IIM बैंगलोर में शूट हुई थी. एंड दिस इज दी नाइट व्यू IIM बैंगलोर का. नाउ इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन से ऑफर होते हैं, तो प्रोग्राम्स में इनके पास मेनली है जो आपके पास MBA है जिसके लिए बच्चे जाते ही हैं, फिर है आपका मास्टर मैनेजमेंट स्टडीज, पब्लिक पॉलिसीज, देन एग्जीक्यूटिव MBA. इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं EMBA के ऊपर, आज हम इसी की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है. एंड PhD होता है और एग्जीक्यूटिव MBA ऑन वीकेंड्स. बाकी मैं IIM अहमदाबाद, FMS, IIM कलकत्ता, ऐसे टॉप के कॉलेजेस, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वॉटन, ये सब कवर कर चुका हूँ. अगर वो आपको सारे इंस्टीट्यूट देखने हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही है, वहाँ पे क्लिक करिए, सारे आपको कॉलेजेस दिख जाएंगे और ऐसे सारे कॉलेजेस और भी अपडेट होते रहते हैं. तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट अवे, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा लो, आपकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी, बेल आइकन जरूर प्रेस करना. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, 4 साल भी चलेगी, 50% मार्क्स होने चाहिए. अगर आप किसी कैटेगरी से हो, SC ST एंड PWD, देन 45%. एंड अगर जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो भी दे सकते हैं, और कैट का स्कोर चाहिए होता है, दैट इज मैंडेटरी थिंग. नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो इंडिया में जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो सारी की सारी स्कॉलरशिप्स कुछ खासा इतनी हेल्प नहीं करती क्योंकि इनकी फीस ज़्यादा ही होती है, बट यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप वाला सिस्टम कहीं भी नहीं है आज की डेट में. नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका थोड़ा सा सॉर्टेड है अहमदाबाद के हिसाब से, बताया ही नहीं हुआ. सो बेसिकली लिखा है कि फर्स्ट शॉर्टलिस्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो ये देखते हैं कि उसका स्कोर इससे ज़्यादा है कि नहीं. तो लेट सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी में हो 80, VRC में, DILR में 75, QA में 75, ओवरऑल में 85, इससे ज़्यादा आया तो आपको कंसीडर किया जाएगा. पर कंसीडर किया जाएगा मतलब क्या है कि ये बस दिखाने के लिए कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम है ये, मैक्सिमम तो पूरा मैक्सिमम ही चाहिए ना, 99 ही चाहिए. तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर दी कट ऑफ यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट, द स्कोर्स ऑफ दीज दोज कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज वर हायर. तो उनको भी पता है कि वो हम हायर वालों को बुलाते हैं, नीचे वालों को नहीं बुलाते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फॉर ऑल द कैंडिडेट द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट एज स्टेटेड इन टेबल 1, हमने देखा पीछे, द कैंडिडेट्स परसेंटेज स्कोर्स इन द 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स आर इनिशियली एडजस्टेड by dividing each such score by the 90th percentile obtained in that board. तो आपका वो पहले से रिकॉर्ड में देख लेंगे कि आपने 10th 12th में कितना अच्छा किया है. अगर आप 10th 12th में अपने 80s 90s में नहीं थे, मतलब 90th percentile अपने लाइक पूरे बोर्ड के अंदर 90th percentile के आसपास नहीं थे, तो आपको कॉल नहीं आएगा. दैट सिंपली मीन्स कि आपको 10th 12th में अबव 80 तो चाहिए ही चाहिए, अगर उससे नीचे है तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है. आपको मतलब कॉल नहीं आएगी यहाँ से, कितना भी स्कोर कर लो, 100 भी कर लो तब भी नहीं आएगी. फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स इन दी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट एज स्टेटेड इन टेबल 1, कैंडिडेट्स विद दी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग,
कंपनेंट सेक्रेटरी जो दूसरे वाले प्रोफेशनल कोर्सेज वाले होते हैं उनके लिए भी लिखा हुआ, वो अपनी कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से उनको एलिजिबल किया जाता है, उनके स्कोर कैसे चेक किए जाएंगे। देन फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स इन दी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट जो कि वर्कएक्स वाले हैं, उनका वर्कएक्स कैसे क्लियर कैलकुलेट होगा, उनका वर्कएक्स होगा 8x into 36 इफ 0 to एक्स आपको ऐसे रखना है जितने महीने का है। ऑलराइट, क्लियर। अब इसके अंदर सिंपल सी बात एक सिंपल बताता हूँ कि यहाँ का जो वर्कएक्स है ये वर्कएक्स को थोड़ा अलग से एडवांटेज ये देते हैं कि वर्कएक्स को काउंट किया जाता है कि वो कैसा है। सो लेट्स सपोज किसी का कॉल सेंटर का वर्कएक्स है तो उसको इतनी वेटेज नहीं मिलेगी, जिसका वर्कएक्स ऐसा कंसल्टेंट रह चुका है या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर चुका है तो उसके वर्कएक्स की बात अलग होगी, तो वो भी यहाँ पे देखा जाता है, वो भी चीज़ यहाँ पे कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट इज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट एज स्टेटेड इन द टेबल 1 द वेट्स फॉर द पैरामीटर्स। अब यहाँ पे पैरामीटर की बात करी गई है कि कैट के स्कोर की 40% वेटेज, 10th के स्कोर की 20%, 12th के स्कोर की 10%। तो यहाँ पे देखो आप 30% वेटेज तो आपका पीछे का अकेडमिक ही ले गया। ऑलराइट, ये देखो बैचलर्स भी 20%, तो 50% तो अकेडमिक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 100 स्कोर भी ले आओगे तब भी आपको कॉल आ जाएगी? नहीं आएगी ना, सीट ही जो 200-300 तो सीट है इसके अंदर। जेंडर डाइवर्सिटी को 2%, वर्क एक्सपीरियंस को 8। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जितने भी कैंडिडेट्स हैं शॉर्टेड इन दी टेबल 1, अगेन वही लाइन, द वेटेड टोटल ऑफ द कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैट का स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, देन 10th, देन 12th, बैचलर्स एंड जेंडर डाइवर्सिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तभी उसके बेसिस पे कॉल की जाती है। और वो कॉल किस लिए की जाती है? आपके वैट और PI के इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद असेसमेंट होता है कि कैसे इस बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं देना है, और प्लस वर्क इसको भी देखा जाता है उसके अंदर, ठीक है। नाउ जब शॉर्टलिस्ट के लिए कॉल आ जाती है उसके बाद क्या होता है, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट विल गो थ्रू दी वैट एंड इंटरव्यूज। अब वैट की स्कोर की जो वेट है वो 10% है एंड द पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज जो है वो आपकी है समवेयर अराउंड 30%, एंड आफ्टर सेंडेशन अक्रॉस इंटरव्यू पैनल्स एंड सेशंस विल बी एडेड टू दी फॉलोइंग स्कोर्स अराइव एट द फाइनल एग्रीगेट स्कोर, जो उसके बाद आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है कि हाँ आपका अब फाइनल एडमिट हो जाता है, जिसके अंदर आपका कैट होता है 25%, 10th अगेन 10, 12th का अगेन वेटेज होता है 5, बैचलर्स डिग्री का होता है 10 एंड वर्कएक्स का होता है आपका 10। ऑलराइट, तो एंड फाइनल एडमिट के लिए भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन का स्कोर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फीस, तो इसकी जो फीस है 2 ईयर्स की वो है समवेयर अराउंड 23 लाख, जब आप जाएंगे शायद इससे भी ज्यादा हो चुकी होगी, इसके अंदर जो कवर है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो जो मीडियन और एवरेज सैलरी वो यहाँ पे लिखी हुई है, 25 इज द मीडियन, एवरेज इज 26.18, एवरेज हमेशा ज्यादा होता है, मीडियन थोड़ा कम होता है, ऐसा क्यों होता है अगर पूछना है पता करना है तो प्लीज मुझे बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बड़ा सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है। देन अगर हम बात करें ओवरसीज में लगे उनका होता है 26 और एवरेज है 32। ऑलराइट, क्लास प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो क्लास के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं आपके इंजीनियर्स, फिर उसके बाद आप देखेंगे आर्ट्स वाले तो सिर्फ 12 ही हैं, कॉमर्स आते हैं 41 एंड फार्मा और फार्मेसी से 1 और साइंस से सिर्फ 11। और अगर हम PGP 2019 के बाद बैच को देखें तो इतने परसेंट इंजीनियर्स थे, PGP 2020 में 86% इंजीनियर्स थे, तो इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और 17 ऐसे बच्चे थे जिनके पास प्रोफेशनल कोर्सेज थे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी क्लास प्रोफाइल के अंदर एक्सपीरियंस इन मंथ्स, तो कितने बच्चों के पास कितना एक्सपीरियंस था, फ्रेशर्स देखिए आप, फीमेल मेल 75 था, 1 to 12 78, मैक्सिमम आपको जो दिखेगा वो 13 से 24 के बीच में दिखेगा, यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। ऑलराइट, उसके नीचे जाओगे तो वो बिल्कुल ही कम होता जाता है, यहाँ पे देखो सिर्फ 15 बच्चे रह जाते हैं सबसे कम, तो मतलब ज्यादातर एक्सपीरियंस वाले बच्चे यहाँ पे भी नहीं जाते, वो कहीं भी नहीं जाते, वो बाहर ही जाते हैं, सिंपल रहते हैं, या फिर MBA एग्जीक्यूटिव में जाते हैं। ऑलराइट, क्लियर। एवरेज अगर आप देखोगे तो 23 है, हाईएस्ट देखोगे मंथ्स के अंदर है 191 और लो देखोगे तो 1 आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बैचलर्स यूनिवर्सिटी टू टाइप ब्रेकअप, वो कहाँ कहाँ से है, यूनिवर्सिटी टाइप है लाइक IITs का देखोगे तो 17 फीमेल आती हैं, NIT से 36, 72 मेल एंड 89 टोटल हो जाता है, 109 फ्रॉम NITs। तो IITs से बहुत सारे बच्चे ऐसे IIM अहमदाबाद में भी जाते हैं, IIM बैंगलोर में भी जाते हैं और NIT से भी जाते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव द कोर्सेज एंड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 7 से, ये सारे बैचेस हमारे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, आप जाके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं learnforexam.com। और लाइक GMAT GRE का बैच तो हमारा 1st से स्टार्ट हो रहा है, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन 1st June से, एंड ये 7th June से स्टार्ट हो रहा है। ऑल राइट, प्लस स्पेशल कोर्सेज है जिसके अंदर आपकी क्वांट की ई बुक है, एनमेसएफ की ई बुक है, वर्बल की ई बुक है, LRD की ई बुक है। और लाइट, ये सारी ई बुक्स पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, दिस इज द गेट 10% ऑफ, यूज कोड गेट 10। ऑल राइट,
या आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं लर्न फॉर एग्जाम डॉट कॉम, वहाँ पे आके आप सब कुछ मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दी लर्न फॉर एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप, ग्रुप पे दिखाता हूँ क्या क्या करते हैं। प्लस उससे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है हर संडे वो यहाँ पर होता है टेस्ट सीरीज के अंदर, तो जरूर दीजिएगा, एनरोल करिएगा, आप जीत सकते हैं फुल 100% स्कॉलरशिप, कोई पूरा कोर्स ले सकते हैं MBA 2021 फ्री ऑफ कॉस्ट। हम हर संडे 3 ऐसे डिक्लेयर करते हैं विनर जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ऑलराइट, सो यू इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। बाकी आपकी टेस्ट सीरीज भी है वेबसाइट पे आके आपको सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। एंड द एल4ई शो जो हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है 10 PM, तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग विच वी आर डूइंग। ऑलराइट, बेसिक टू कैट लेवल तक की तैयारी करते हैं हम हर एक चैप्टर को लेकर। अभी हमने पिछले वीक किया था परसेंटेजेस, रेशियो स्टार्ट किया था, इस वीक हम रेशियोज करेंगे और एवरेजेस और एलिगेशन मिक्सचर्स करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलराइट, एंड स्टडी अब्रॉड ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो यू कैन कंसल्ट अस, वी डोंट चार्ज एनी फीस एज ऑफ राइट नाउ ड्यू टू प्रमोशनल एक्टिविटीज, एंड वी प्रोवाइड दी लाइक ओवरसीज एजुकेशन UK, US, Canada, Germany, वी हैव ऑल द टाइप्स, एंड यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर इफ यू वॉन्ट। एंड दिस इज द कैट विद लर्न फॉर एग्जाम ग्रुप जिसका मैं आपको बता रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सर्च करिएगा लर्न फॉर एग्जाम कैट, आपको मिल जाएगा ग्रुप। उस ग्रुप के यूनिक फीचर्स बताता हूँ, वी डू वीकली जूम सेशंस जिसके अंदर आपकी जो भी क्वेरीज होती है 1-to-1 बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं, ठीक है। प्लस आपका अगर कोई जैसे डाउट किसने डाला, अमन ने डाला था, ठीक है, तो डाउट डाला और डाउट डालने के कितनी देर बाद ही शायद यहाँ पर देखिए 8:28 पर डाला, 8:30 उसको उसका रिप्लाई आंसर भी मिल जाता है। सो हमारा ग्रुप काफी एक्टिव है, आप यहाँ पे ज्वाइन करिए, वी हैव समवेयर अराउंड आई गेस 2860 मेंबर्स, यू कैन ज्वाइन, काफी सारे बच्चे एक्टिव ही रहते हैं, 63 ऑनलाइन थे जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया रात को लिया। ऑलराइट, तो आप जरूर से डेफिनेटली इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होती रहती साथ के साथ। प्लस अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, आई एम नॉट एबल टू पिक ऑल द कॉल्स क्योंकि मेरे पास ये फोन रहता है अभी। ऑलराइट, बैकअप आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे 2020 के रिजल्ट्स, 2019 के रिजल्ट्स, 2018 के रिजल्ट्स, 2017 के रिजल्ट्स, वी हैव ग्रेट फीडबैक्स फॉर अवर लाइव क्लासेस, ग्रेट रिजल्ट्स विद अस, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, बहुत ही उमदा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं और आगे भी और जबरदस्त करेंगे। ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड प्लस कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी अप्रिसिएशन हो, अगर कुछ भी और थॉट आ रहा हो माइंड में तो जरूर लिखिएगा। ऑलराइट, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।